चलिए, सो हेलो गाइस, लेट्स क्रैक सीबीएसई कॉमर्स ऑन एन अकेडमी विथ मी अभिजीत जायसवाल. सो आई एम हियर टू हेल्प यू विथ योर 11 सीबीएसई कॉमर्स एज ऑफ नाउ, राइट. अ फ्यू थिंग्स अबाउट माई सेल्फ, आई हैव डन माई ग्रेजुएशन इन बीकॉम, आई हैव डन माई सीएस फाउंडेशन एग्जीक्यूटिव, करंटली आई एम इन फाइनल प्रोग्राम, प्रोफेशनल प्रोग्राम. आई हैव वर्क्ड विद वेरियस कंपनी सेक्रेटरी फर्म्स एंड कॉर्पोरेट्स, आई हैव बीन टीचिंग फॉर लास्ट 6 years एंड आई टीच एट वेरियस लेवल्स. नाउ Why am I here? I am here on an academy because यहाँ पे एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन, जिसे हम प्लस सब्सक्रिप्शन कहते हैं, है ना, इंडिया के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक छोटे से सब्सक्रिप्शन लेने से आपको बहुत कुछ मिलता है, बहुत सारी फायदे की चीज़ें मिलती है. नाउ व्हाट डू यू गेट? यू गेट डेली लाइव क्लासेस जहाँ पे आप अपने एडुकेटर्स के साथ में इंटरेक्ट कर सकते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, बात इन द सेंस मैसेज कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं. यू कैन आंसर और टेक पार्ट इन द पोल्स दैट आर कंडक्टेड. आप लाइव टेस्ट एंड क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट यू कम टू नो कि आपको कितना आता है, है ना, आपको आता है कि नहीं आता है, कि आप पानी में हो कि डूब चुके हो, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पता चलेगी. नेक्स्ट जो आपको मिलता है दैट इज स्ट्रक्चर्ड कोर्स. आपको जो भी पढ़ाया जाएगा बच्चे, दैट विल बी एज पर योर सिलेबस. जो भी पढ़ाया जाएगा दैट विल बी एज पर योर सिलेबस, ठीक है. एंड उसके बाद में जो आपको मिलता है दैट इज अनलिमिटेड एक्सेस. अब बेटा, आपको एक प्लस सब्सक्रिप्शन लेने से यू कैन लर्न फ्रॉम ऑल द फैकल्टीज. देखिए, मैं ही नहीं हूँ, ऐसे बहुत सारे हमारे जैसे बहुत सारे, है ना, टॉप नॉच जो कहते हैं, बेहतरीन फैकल्टीज आपके यहाँ पे. यू गेट टू लर्न फ्रॉम मल्टीपल फैकल्टीज, पहली बात. दूसरा, आपको एक सब्सक्रिप्शन से आपके सारे जो दरवाजे हैं वो खुल जाते हैं, मतलब मल्टीपल फैकल्टीज. दूसरा, यू कैन लर्न ऑल द सब्जेक्ट्स, एक सब्सक्रिप्शन एंड एवरी सब्जेक्ट दैट यू आर गेटिंग, ठीक है. तीसरा, अगर आप कोई क्लास मिस कर जाते हैं तो आपको वही क्लास आप दोबारा देख सकते हैं, कभी भी एट योर ईज, अपने मन से देख सकते हैं. जब मोबाइल पे देखना मोबाइल पे देखिए, लैपटॉप पे देखना लैपटॉप पे देखिए, आईपैड, टैबलेट, डेस्कटॉप, जिस पे देखना है उस पे देखिए, ठीक है. सो दिस इज व्हाट द ब्यूटी ऑफ अनलिमिटेड एक्सेस इज, ठीक है. लाइव क्लासेस, है ना, मेरे जैसे बहुत सारे टॉप नॉच एडुकेटर्स हैं जो कि आप लोगों को लाइव पढ़ाएंगे, ठीक है. आपने देखा होगा इसी चैनल पे हमारे जैसे बहुत सारे एडुकेटर्स आते हैं जो कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं एंड वो आपको गाइड करेंगे. नाउ यू गेट टू प्रिपेयर विद द टॉप एडुकेटर्स. जैसे मैंने कहा, दीज आर द फ्यू एडुकेटर्स जो मैं एक स्लाइड पर डाल सकता हूँ, बहुत सारे, ठीक है. कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस. नाउ व्हाट डू यू गेट? यू गेट एवरी सब्जेक्ट. अगर आप 11th, 12th साइंस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यू गेट एवरी सब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एवरीथिंग, है ना. आपका कॉमर्स का लेते हैं, है ना, स्लिप ऑफ टंग हो गया. कॉमर्स का अगर आप लेते हैं तो आपको मिलेगा सारी चीज़ें, आपको BST मिल जाएगा, इकोनॉमिक्स मिल जाएगा, अकाउंट्स मिल जाएगा, एवरीथिंग, ठीक है. ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू डाउनलोड अन अकेडमी लर्निंग ऐप. नाउ ये लर्निंग ऐप पे आपको क्या मिलता है बेटा? यहाँ पे आप अपना गोल सेलेक्ट कीजिए एंड ये लर्निंग ऐप पे आपको एक और एक चीज मिलती है, आप लोग को मिलती है बेटा स्पेशल क्लासेस. दीज स्पेशल क्लासेस आर एक्चुअली फ्री क्लासेस, राइट. इसके लिए आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन या पैसे भरने की जरूरत नहीं है बेटा, यहाँ पे भी पढ़ाया जाता है. यू कैन टेक पार्ट इन द पोल्स दैट आर कंडक्टेड इन स्पेशल क्लासेस, ठीक है. अब फॉर एग्जाम्पल, आप लोग अगर डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको मेरी आईडी मिलेगी, ठीक है, आपको मेरी ही आईडी मिलेगी. आपको अन अकेडमी लर्निंग ऐप का वहाँ पे आपको एक लिंक मिल जाएगा जिसमें कल 11 बजे मेरा खुद का एक क्विज होने वाला है. यू कैन टेक पार्ट इन दैट क्विज ऑल्सो, ठीक है. 11 o'clock टुमारो एट 11 o'clock, 11 AM इट विल बी अ मेगा क्विज, राइट. ऑलमोस्ट 100 MCQs एंड इट विल बी फन. तो अगर आप लोग उसमें भी आना चाहते हैं तो आप बिल्कुल आ सकते हैं, ठीक है. सब लोग आ सकते हैं उसमें, बस आपको डिस्क्रिप्शन चेक करना है, लिंक से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है एंड एक बार चेक कीजिए, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी. एक मज़ा लेकर देखिए स्पेशल क्लासेस का. नेक्स्ट आपको जो है बेटा वो है कि टेलीग्राम ऐप पर जो हमारा ग्रुप है आप उस पर भी ज्वाइन हो सकते हैं. जस्ट ये जो लिंक है इसे URL पे पेस्ट कीजिए एंड आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं. नाउ ऑल दीज थिंग्स जो आपको मिलती है, गेट इट फॉर 25,000 rupees, जो कि 24 months का सब्सक्रिप्शन है. एक चीज़ ध्यान रखिए, ये 11th और 12th दोनों का सब्सक्रिप्शन है बेटा, ठीक है. मतलब एक सब्सक्रिप्शन में आप 11th भी पढ़ रहे हो, 12th भी पढ़ सकते हो अगले साल, ठीक है. नाउ सर, हम तो 12th में,
बेटा अगर आप आगे कोई पढ़ाई कर रहे हैं, इवन ग्रेजुएशन में बेसिक्स काम आएंगे, आप कोई प्रोफेशनल पढ़ाई कर रहे हैं उसमें बेसिक्स काम आएंगे, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उसमें बेसिक्स, किसी भी तरीके में आपको बेसिक्स तो काम आएंगे, तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। दूसरा, अगर आप चाहें तो आप 12 महीने का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जो कि 15,000 का पड़ेगा, बट इफ़ यू यूज़ माई कोड विच इज़ जीत, यू विल गेट एन एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑफ 10%, यू विल गेट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, और जो 25,000 का आपको मिल रहा था सब्सक्रिप्शन, यू विल गेट इट फॉर 22,500, एंड जो 15,000 का आपको मिल रहा था सब्सक्रिप्शन, यू विल गेट इट फॉर 13,500, दो साल के लिए, 11th and 12th, रिमेंबर माई कोड, दैट इज जीत। ठीक है, तो बच्चों वेलकम टू द क्लास, हम लोग आज शुरू करते हैं। हम लोग आज डाउट्स देखने वाले थे बेटा, पूरे चैप्टर को हम लोग एक तरीके से रिवाइज करेंगे। हेलो, हाय, गुड इवनिंग सबको। हम लोग एक तरीके से पूरा जो चैप्टर है वो हम लोग रिवाइज करेंगे आज। तो अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट तो आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं। ठीक है, कोई कंपल्शन नहीं है, है ना, मत बताइए। कमेंट में नहीं बताना है तो मत बताइए, मैं पूरा चैप्टर रिवाइज करवाऊंगा आज। तो आई बी गोइंग वेरी फास्ट थ्रू एवरी स्लाइड, है ना, जिस भी स्लाइड में अगर आपको डाउट है या जो भी टॉपिक में आपको अगर डाउट है तो आप वहां पे मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, अब ऐसा है आज कई बच्चे आए हैं, कुछ दिनों से नहीं आ रहे थे, अब ऐसा है भाई कि अपने लोगों से नाराज भी क्या रहना और कितना रहना, है ना। चलो, तो वेलकम है सभी लोगों को, बहुत बहुत क्या कहें, है ना, जैसे हैं अपने हैं, है ना, चलिए ठीक है, बड़े बदमाश बच्चे हैं। गुड इवनिंग सबको। पूजा ने कहा है सर रिवाइज करवाओ, यस बेटा पूजा, सारी चीज़ें रिवाइज करवाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल शांति से, है ना, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। एंड अभी रैप शुरू होने वाला, मतलब मैं जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा, आप लोग बस सुनते रहिए। इफ़ यू हैव एनी डाउट, है ना, तो स्लाइड जैसे ही आपको स्लाइड दिखा आप लोग देख लीजिए, एंड यू कैन टेल मी कि जो भी आपको डाउट है, जो भी टॉपिक में डाउट है। चलिए, दोस्त लोगों को बुला लीजिए अगर उन्हें आना हो, सारे दोस्तों को बुला लीजिए, इफ दे वांट टू कम दे कैन कम, है ना। तो हम लोग देख रहे हैं भाई सर्विसेज, सबसे पहले हम ये देखेंगे सर्विस क्या है। तो सर्विस, मैं बहुत फास्ट जाऊंगा गाइस, आई विल बी गोइंग वेरी फास्ट बिकॉज ये अपना चैप्टर हो चुका है, दो बार हो चुका है। नाउ मैं बहुत फास्ट जाऊंगा, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, आई विल बी गोइंग वेरी फास्ट। हाँ, दिस इज नॉट द नॉर्मल क्लास गाइस, अगर कोई आज पहली बार मेरा लेक्चर ये वाला देख रहा है तो प्लीज़ ये आपके लिए नहीं है, ये लेक्चर स्पेसिफिकली वो बच्चों के लिए जो ये चैप्टर पढ़ चुके हैं, दिस इज अ रिविजन लेक्चर। ठीक है, चलिए, तो भैया सर्विसेज क्या है बेटा, सर्विसेज ये इंटेंजिबल एक्टिविटीज़ हैं जो कि आपको सेटिस्फैक्शन देती है, आप लोग का वॉन्ट्स पूरा करती है। सर्विसेज जो है वो बना नहीं सकते, आप उसको ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, ना ही आप उसको स्टॉक करके रख सकते हो। सर्विसेज को आप स्टोर करके, जैसे मैंने कहा, नहीं रख सकते हो। आप एक बार में अगर कोई सर्विस दे रहा है तो जो सर्विस प्रोवाइडर है और जो सर्विस रेसिपिएंट है, दोनों जो है उनका प्रेजेंट रहना ज़रूरी है। सर्विस में, जैसे फिलिप कॉटलर ने एक डेफिनेशन दिया था, सर्विस ये एक ऐसा परफॉर्मेंस ऑफ एक्टिविटी है जिसमें कि एक बंदा कुछ ऑफर करता है दूसरे बंदे को, जिससे कि दूसरे बंदे की कुछ ना कुछ क्या हो जाए बेटा, वांट सेटिस्फाई हो जाए। इसमें ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है, सर्विस में क्या ट्रांसफर नहीं होगा बच्चे, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है। बट हाँ, अगर आप देखें तो कुछ प्रोडक्ट जो है वो ट्रांसफर हो सकते हैं, वो एक से दूसरे बंदे की तरफ जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको कुछ मैगी बनाकर खिलाया, मेरे हाथ की मैगी बहुत बढ़िया रहती है बेटा, अगर मैंने आपको मैगी बनाकर खिलाया तो आप ये देखिएगा कि मैंने आपको सर्विस दी, मैगी बनाकर खिलाने की सर्विस दी, यहाँ पे क्या हुआ, वो सर्विस में गुड भी आया आपके पास में, राइट। तो ये सर्विस था। हम लोग अभी देखेंगे बेटा क्या, हम लोग आज देखेंगे सर्विसेज, बिजनेस सर्विस। तो पहले हम लोग बिजनेस सर्विस की अगर बात करें तो बिजनेस सर्विस वो सर्विसेज हैं जो कि बिजनेस को स्मूथली काम करने में मदद करती है। कम ऑन, बिजनेस सर्विसेज वो सर्विसेज जो कि बिजनेस को स्मूथली काम करने में मदद करती हैं। ये इंटेंजिबल है, हेटरोजीनियस है, इनसेपरेबल है, इनकंसिस्टेंट है, पेरिशेबल है, ये सारी चीज़ें हम लोग नेचर ऑफ सर्विस में देखेंगे आगे। ठीक है, बिजनेस सर्विस वो सर्विसेज हैं जो कि बिजनेस को स्मूथली काम करने में मदद करेगी,
राइट। नेक्स्ट अगर हम देखें, हम लोग रिवाइज कर रहे हैं फटाफट, ठीक है। नेचर ऑफ सर्विस, बिजनेस सर्विस नहीं, नेचर ऑफ सर्विस, सबसे पहला क्या है बोला, इनटैंजिबल। आप सर्विस को देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सबसे पहला इनटैंजिबल है, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। हाँ, आप उसे एक्सपीरियंस जरूर कर सकते हो। आप उसे क्या कर सकते हो बच्चों, आप उसे एक्सपीरियंस जरूर कर सकते हो। इनमें कोई मटीरियल फॉर्म नहीं होता है, इनमें कोई भी मटेरियल फॉर्म नहीं होता है, एंड बिकॉज दीज आर इनटैंजिबल, आप इसे क्या कर सकते हो, डिस्प्ले करके नहीं रख सकते हो और आप इसे स्टोर करके भी नहीं रख सकते हो, राइट। चलो ये समझ में आया, पहला जो हम लोग ने नेचर देखा दैट वाज इनटैंजिबिलिटी। दूसरा है इनकंसिस्टेंसी। देखो लोग अलग हैं, लोगों की परिभाषाएं अलग हैं, लोगों की जरूरतें अलग हैं, लोगों की वॉन्ट्स अलग हैं, तो इसीलिए उन लोगों की सर्विसेज भी अलग अलग रहेगी। अब छोटा सा एग्जांपल, आपको किसी को मीठा पसंद होगा, किसी को तीखा पसंद होगा, किसी को खट्टा पसंद होगा, किसी को कुछ और पसंद होगा, है ना, किसी को फीका पसंद होगा। तो यार सबकी ज़रूरतें अलग अलग है। अगर आप पानी पूरी खाने गए, है ना, जस्ट इमेजिन इफ़ यू गो टू हैव पानी पूरी, चटपटी पानी पूरी खाने गए आप, तो जब आप पानी पूरी खाने जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है बेटा, वहाँ पर जो भी आप लोग हैं, जो ग्रुप, वहाँ पे कुछ लोग ऐसे रहेंगे जो बोलेंगे भैया और तीखा दो, है ना, जब तक नाक से आँख से पानी नहीं बहता तब तक वो बोलेंगे भैया और तीखा दो, है ना। नेक्स्ट कुछ लोग ऐसे रहेंगे भैया हमें मीठा चाहिए, कोई बोलेंगे हमें खट्टा मीठा, लोग अलग उनकी फरमाइशें अलग, तो वैसे ही लोग अलग उनकी सर्विसेज अलग, है ना। सर्विस प्रोवाइडर एक ही रह सकता है बट जो सर्विस दे रहा है वो अलग अलग रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो इनसेपरेबिलिटी, आप जो है सर्विसेज जैसे ही बनती है, ध्यान से सुनिएगा, सर्विसेज जैसे ही बनती है, जैसे ही प्रोड्यूस होती है वैसे ही कंज्यूम होती है। यू कैन नॉट कीप अ गैप बिटवीन सर्विस प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, ये अलग अलग नहीं होती है, सर्विस पे काम नहीं कर सकते सर। बट यहाँ पे कोई बोलेगा सर हम तो एडवांस में बुकिंग करके आते हैं, बेटा मैं खाना बनाने की और खिलाने की बात कर रहा हूँ। क्या वो आपको जब एडवांस बुकिंग करते तब से खाना बना के आपको अगले हफ्ते खिलाता है क्या? नहीं, राइट। खाना जैसे बनता है उसके बाद में आप साथ साथ में क्या करते हैं, कंज्यूम भी करते जाते हैं। तो देयर इज नो सेपरेबिलिटी, यू कैन नॉट सेपरेट प्रोडक्शन ऑफ सर्विस एंड कंजम्पशन, ठीक है। अब इसी कारण की वजह से क्या होता है बेटा, साथ साथ में चलता है तो वहां पे आ जाता है इन्वेंट्री लेस या पेरिशेबिलिटी। भाई सर्विस जो है ना उसको आप स्टोर करके नहीं रख सकते, बिकॉज दीज आर इनटैंजिबल, आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। नाउ इफ दिस इज टैंजिबल, मैं इसे स्टोर कर सकता हूँ भाई, मैं इसे स्टोर कर सकता हूँ, आई कैन स्टोर दीज, बट जो सर्विस है क्या हम उसे स्टोर कर सकते हैं? जी नहीं, हम सर्विसेज को स्टोर नहीं कर सकते। जैसे एक बेस्ट एग्जाम्पल है, आप और आपकी नॉट तन्हाई, आपकी कोई दोस्त या आपका कोई दोस्त या आपका कोई कजन, है ना, आप कहीं जा रहे हैं, यू गोइंग ऑन अ लॉन्ग लॉन्ग जर्नी, है ना। तो बेटा वो जो जर्नी है दैट इज द सर्विस, बट वो जर्नी की जो टिकट है वो नहीं, सर्विस टिकट नहीं है बेटा, सर्विस इज द जर्नी। यू कैन नॉट सेव द जर्नी बट यू कैन सेव द टिकट, सर्विस जो है वो जर्नी है बेटा, ये समझ में आया। तो इन्वेंट्री लेस या पेरिशेबल, इन्वेंट्री लेस या पेरिशेबल, ठीक है। लैग हो रहा है गाइस, क्या पलक वो लैग हो रहा है? लैग हो रहा है क्या? सभी को बफर हो रहा है? कैन यू गाइस हियर मी क्लियरली? क्या आप लोग को आवाज आ रही है क्लियरली? आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं। ठीक हुआ तो मुझे बताइएगा, ठीक हुआ तो मुझे बताइएगा, ठीक हुआ तो मुझे बताइएगा। इज इट ओके? क्लियर है क्या अभी? हेलो, कैन यू गाइस सी मी? यस 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 हुआ। चलिए आवाज आ रही है क्या? क्या अभी सही है?
अभी ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक है, अभी गुड टू गो, अभी गुड टू गो, यस 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 यस, चल ठीक है। चलिए, हम लोग ने देखा सबसे पहला इनटैंजिबिलिटी, फिर देखा इनसेपरेबिलिटी, फिर देखा इन्वेंटरी लेस, और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बेटा दैट इज इन्वॉल्वमेंट। दैट इज व्हाट बेटा, दैट इज इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, अगर अभी भी क्लियर नहीं आ रहा तो एक बार आप अपना नेट चेक कीजिए जेड, अगर बाकी लोगों को क्लियर है और आपको क्लियर नहीं है तो आप लोग एक बार नेट चेक कीजिएगा प्लीज बेटा। यस यस, हम लोग अभी देखेंगे बेटा इन्वॉल्वमेंट। जो कंज्यूमर है और जो सर्विस प्रोवाइडर है, ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं, राइट। सेलर, सर्विस का सेलर और बायर दोनों इन्वॉल्व होते हैं, बिना इन्वॉल्वमेंट के काम नहीं होगा। एंड लास्ट भैया क्या बोला है, नॉन ट्रांसफरबिलिटी। आप सर्विस को ट्रांसफर नहीं कर सकते बिकॉज दीज आर इनटैंजिबल इन नेचर, आप सर्विस को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब यूजुअली क्या होता है बेटा, आप लोग ने अगर कोई रूम बुक किया या शादी के लिए कोई हॉल बुक किया, है ना, आपने क्या किया बेटा, शादी के लिए कोई हॉल बुक किया, तो वो आपको सिर्फ यूज करने मिलता है हॉल। वो हॉल हमें बेटा, वो ओनरशिप नहीं आती है, वो सिर्फ यूज करने मिल रहा है। तो वहां पे जो है ना बेटा, ट्रांसफर, गुड्स ट्रांसफर मतलब ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है, राइट। फिर इसके बाद में हम अगर देखें तो हम लोग ने डिफरेंस बिटवीन देखा था गुड्स एंड सर्विस। अगर आप बात करें नेचर की, है ना, तो सर्विस जो है बेटा वो क्या है, इट इज अ प्रोसेस। गुड्स जो है वो फिजिकल ऑब्जेक्ट है। सर्विस हेट्रोजीनियस होती है, गुड्स होमोजीनियस होते हैं। सर्विस इंटेंजिबल होती है, गुड्स टैंजिबल होते हैं। सर्विसेज इनकंसिस्टेंट होती है, गुड्स कंसिस्टेंट होते हैं। एक समान, देयर कैन बी मेनी बॉटल्स लाइक दीज, है ना, बट सर्विसेज अलग अलग रहेगी। सर्विसेज इनसेपरेबल रहती है, बट गुड्स कैन बी सेपरेटेड, मतलब जब गुड्स बन रहे हैं तब और उनके कंजम्पशन में समय रहेगा। ठीक है, इन्वेंट्री सर्विस का आप नहीं कर सकते हैं, और गुड्स को आप इन्वेंट्री या स्टॉक में रख सकते हैं। सर्विसेज में इन्वॉल्वमेंट रहता है कंज्यूमर का और सर्विस प्रोवाइडर का, गुड्स में इन्वॉल्वमेंट कम आता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है बेटा, टाइप्स ऑफ सर्विस, तीन टाइप की सर्विस होती है, ध्यान से सुनिएगा, तीन टाइप की सर्विस होती है। एक है बिजनेस सर्विस, दूसरा है सोशल सर्विस, तीसरा है पर्सनल सर्विस। बिजनेस सर्विस जो कि बिजनेस यूज करता है और हमें इस चैप्टर में यही पढ़ना है। सोशल सर्विस जो कि गवर्नमेंट या एनजीओस प्रोवाइड करते हैं सोशल गोल्स को पूरा करने के लिए, वो है सोशल सर्विस। तीसरा है प्रोफेशनल, सॉरी पर्सनल सर्विस, जो कि हम लोग यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल होटल में गए, खाना खाया, टूरिज्म, कहीं घूमने गए, है ना, दीज आर व्हाट बेटा, पर्सनल सर्विसेज। हमें ये दोनों नहीं पढ़ना है, व्हाट वी हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर, बिजनेस सर्विस, राइट। चलिए, क्या अभी क्लियर है गाइज, अभी आप लोग को सारी आवाज या वीडियो, ऑडियो वीडियो क्लियर है? आप लोग कमेंट्स में बता दीजिए, क्योंकि यहां से मेन टॉपिक्स शुरू हो रहे हैं। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत है तो फिर आपको पूछने में दिक्कत जाएगी। ठीक है, यस यस, ठीक है ठीक है, बिजनेस सर्विस। अच्छा, बिफोर आई मूव ऑन, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, टुमारो आई विल बी स्टार्टिंग विद द फर्स्ट चैप्टर, है ना, नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट, नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट मैं कल शुरू करने वाला हूँ। दोस्तों को बोल दीजिएगा, है ना, जो आना चाहते हैं, लेक्चर अटेंड करना चाहते हैं, जो फायदा लेना चाहते हैं पढ़ाई का, तो वो आ जाए। देर इज नो छुट्टी ऑन संडे, ठीक है, बहुत छुट्टियां मना लिए, संडे को कोई छुट्टी नहीं रहेगी। नया चैप्टर शुरू होगा विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो आप लोग को मैं पढ़ाने वाला हूँ, 12th क्लास का चैप्टर रहेगा। ठीक है, चलिए, तो भाई साहब अभी अगर हम लोग देखें बिजनेस सर्विस, बिजनेस सर्विस की अगर आप बात करें, वो सर्विसेज मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बिजनेस सर्विस वो सर्विसेज हैं जो कि आपको बिजनेस स्मूथली काम करने में मदद करती हैं, राइट। अब इसमें क्या क्या आता है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयरहाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन आप लोग को नहीं पढ़ना है, दोज आर वेरी सिंपल। बैंकिंग क्या है, बैंकिंग पहले से शुरू करते हैं। बैंकिंग, बैंक ये जो वर्ड है जो डराइव हुआ है बैंको, है ना, फ्रेंच वर्ड है बैंको, वहां से डराइव हुआ है बैंक। ठीक है, ये जो वर्ड है ये फ्रेंच वर्ड है बैंको, यहां से डरा हुआ है, जिसका मतलब होता है बेंच। नाउ व्हाई बेंच, बिकॉज पुराने जमाने में क्या होता था बेटा, पुराने जमाने में जो लोग रहते थे, है ना, फ्रांस में जो लोग रहते थे, वो लोग बेंच पे बैठकर बहुत सारे पैसे ऐसे रखते थे,
है ना, और वहाँ से फिर लोगों को डिपॉजिट्स वगैरह, वो लोग उधारी वगैरह देते थे। तो वहाँ से पद्धत जो है, जो आपका ये कर परंपरा जो है वो शुरू हुई, राइट। तो ब्रांच जो है, सॉरी बैंक जो है वो कहाँ से आया, बैंको ये वर्ड से आया, ठीक है। बैंक एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है बेटा, जो कि क्या करता है, गुड्स और सर्विस, सॉरी डिपॉजिट्स लेने का काम करता है और एडवांसेस देने का काम। फिर इसके बाद में ये क्या करता है, आपकी इकोनॉमी में इकोनॉमिक एक्टिविटी को स्टिमुलेट करता है, क्योंकि पैसे का सर्कुलेशन मेंटेन करता है बैंक, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, बैंक रेगुलेट कौन करता है इंडिया में, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ये वाला जो एक्ट है, ये रेगुलेशन जो है, सॉरी ये जो एक्ट है, ये रेगुलेट करता है आपके बैंक्स को। इसके हिसाब से बैंकिंग कंपनी का मतलब क्या है, एज पर इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, इसके हिसाब से बैंकिंग कंपनी का मतलब क्या है बेटा, इट मीन्स एनी कंपनी विच ट्रांजैक्ट्स द बिजनेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। सिंपल, कोई भी ऐसी कंपनी जो कि इंडिया में बैंकिंग का काम कर रही है, उसे हम बैंकिंग कंपनी कहेंगे। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैंकिंग, बैंकिंग का मतलब होता है कि आप डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर रहे हो, किस लिए, ताकि आप लोन दे सको लोगों को, राइट। और वो जो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किया है उसको आप रीपे करोगे, या तो ऑन डिमांड या समय आने पर, इसे हम बैंकिंग एक्टिविटी कहेंगे, राइट। अब टाइप्स अगर आप देखें बैंक्स के, वो अलग अलग टाइप्स होते हैं बच्चे, बैंक्स के टाइप्स जो हैं वो अलग अलग होते हैं। सबसे पहला होता है सेंट्रल बैंक, इंडिया में एक ही सेंट्रल बैंक है जिसका नाम है RBI, दिस इज द अपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री, जो कि आपके यहाँ पे मॉनिटरी पॉलिसी बनाता है, करेंसी नोट्स इशू करता है, आपकी गवर्नमेंट के बैंक का काम करता है, और दूसरे जो बाकी बैंक्स हैं ना छोटे मोटे, उन लोगों को कैसे काम करना है वो गवर्न करता है, उनके लिए भी पॉलिसीज बनाता है। नाउ इंडियन जो इंडियन इकोनॉमी या जो इंडिया है, यहाँ पे जो सेंट्रल बैंक है, ये सेंट्रल बैंक इस्टेब्लिश हुआ था 1945 में, 1945 ईयर याद रखेंगे, ईयर मेरे यारो, ईयर याद रखेंगे, 1945 में आपका RBI इस्टेब्लिश हुआ था अंडर RBI एक्ट 1944। RBI एक्ट 1944 के अंतर्गत RBI एस्टैब्लिश हुआ था। इसके जो फंक्शंस हैं वेरी फ्यू, कि भैया मॉनेटरी पॉलिसी बनाएगा, करेंसी नोट्स इशू करेगा, गवर्नमेंट के बैंक के तौर पे काम करेगा, और ये क्या करेगा बेटा, बैंक्स को, कमर्शियल बैंक्स को और बाकी सारे बैंक्स को देखेगा बराबर तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलो फिर आता है सॉरी कमर्शियल बैंक्स। नाउ व्हाट आर कमर्शियल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कोई भी कंट्री के। क्यों? बिकॉज देखिए, अगर पैसा आएगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, एंड अगर लोगों के पास में पैसा है ना, पैसा इज इकोनॉमिक, एंड लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, दैट इज सोशल डेवलपमेंट। तो पैसा नहीं रहा तो सोशल डेवलपमेंट नहीं रहेगा, है ना। अफ्रीका की कुछ कंट्रीज जो है, जिन्हें हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री, जो पिछड़ी हुई कंट्रीज है, जो गरीब कंट्री है, दोज आर नॉट सोशली डेवलप्ड कंट्रीज। रीजन, बिकॉज दोज आर नॉट इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्री एज वेल, बराबर। कमर्शियल बैंक्स की अगर हम बात करें तो कमर्शियल बैंक्स बेसिकली दो काम करते हैं, प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन हम लोग आगे देखेंगे, बट स्टिल बता देता हूँ। प्राइमरी फंक्शन, वो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करेंगे, किस लिए, लोन देने के लिए, तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड लेंडिंग लोन्स, ये प्राइमरी फंक्शन हो गया। सेकेंडरी फंक्शन क्या हुआ बेटा, कुछ यूटिलिटी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट अगर आप देखें तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स इंडिया में, जो तीन टाइप के आपको बैंक्स मिलेंगे कमर्शियल बैंक्स जो हैं इंडिया में, एक है पब्लिक सेक्टर बैंक्स, जो कि मैक्सिमम शेयर्स जो हैं वो गवर्नमेंट होल्ड करती हैं। अब प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जिसमें मैक्सिमम शेयर्स आर विद इंडिविजुअल्स, जैसे एक्सिस बैंक हो गया। नाउ फॉरेन बैंक्स, जो कि बने बाहर है बट इंडिया में काम करते हैं एज अ कमर्शियल बैंक, तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा, उसे हम फॉरेन बैंक कहेंगे। यस, नेक्स्ट अगर आप देखें तो वो आता है कोऑपरेटिव बैंक। अगेन ये रजिस्टर किए जाते हैं अंडर इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, एंड इसको रेगुलेट करता है इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ध्यान से, कोऑपरेटिव बैंक्स जो, उनको रजिस्टर कहाँ करते हैं बेटा, अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, बट रेगुलेट कौन कर रहा है, इंडियन बैंकिंग एक्ट। ये क्या है बेटा, दीज आर पॉपुलर इन स्मॉल टाउन्स एंड विलेजेस, हैं छोटे छोटे टाउन्स और रूरल एरियाज में ये बहुत पॉपुलर होते हैं, बिकॉज ये इजीली लोन दे देते हैं। ये फार्मर्स को, जो थोड़े गरीब लोग रहते हैं ना, उनके बहुत इजीली लोन दे देते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं रहती हैं। फिर अगर आप कोऑपरेटिव बैंक की बात करें तो हम लोगों ने इसमें तीन चीज़ें देखी थी, प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज, है ना, दूसरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स, और आपका सेंट्रल सॉरी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। पहले जो प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी थी, ये क्या थी बेटा, विलेज लेवल पे काम करती थी, ये लोगों से पैसा लेती है, और इसको फाइनेंस कौन देगा, इसको फाइनेंस देगा डिस्ट्रिक्ट और
कहाँ गया कर्सर, ये रहा डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, ये दोनों इसको फाइनेंशियली हेल्प करते हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट क्या करेगा, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फाइनेंस लेगा लोगों से, और ये इसके पास में अगर पैसे कम गए तो ये कहाँ से लेगा बेटा पैसा, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से पैसा लेगा। नाउ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की अगर हम बात करें तो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक क्या करते हैं, ये स्टेट लेवल पे काम करते हैं और ये फाइनेंशियली हेल्प करते हैं प्राइमरी और डिस्ट्रिक्ट लेवल के बैंक्स को। ठीक है, चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है गाइस, कोई डाउट नहीं है यहां तक, कुछ डाउट रहा तो आप लोग यहां पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, क्या अभी भी ऑडियो फास्ट और वीडियो स्लो है, क्या अभी सही चल रहा है ऑडियो वीडियो सब सही चल रहा है आपका? ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम कहें बेटा तो वो है स्पेशलाइज्ड बैंक। स्पेशलाइज्ड बैंक का मतलब क्या है, ये ऐसे बैंक होते हैं जो कि यूनिक काम करते हैं, जैसे कि आपके फॉरेन बैंक, फॉरेन एक्सचेंज बैंक्स हो गए, इंडस्ट्रियल बैंक्स हो गए, डेवलपमेंट बैंक्स हो गए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक्स, ये सारे कौन से बैंक्स है बेटा, दीज आर स्पेशलाइज्ड बैंक्स। ठीक है, दीज आर स्पेशलाइज्ड बैंक्स, थैंक यू फॉर अप्लाइंग। जैसे पहला है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, नाम से समझ में आता है कि जो इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स हैं उन लोगों को ये फाइनेंस करने में, मदद करने में सबसे अपेक्स बैंक है। दूसरा सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये बनाया गया था 2 अप्रैल 1990 को पार्लियामेंट में एक्ट पास करके, है ना। अब ये जो है दिस इज द अपेक्स इंस्टीट्यूशन, ये क्या करता है बेटा, जो माइक्रो और मीडियम लेवल के जो एंटरप्राइजेस है, एकदम छोटे लेवल पे, माइक्रो स्मॉल और मीडियम लेवल के जो एंटरप्राइजेस रहते हैं, छोटे छोटे लेवल पे जो काम करते हैं गांव में, आपके छोटे शहरों में जो बिजनेस करते हैं, उन लोगों को ये फाइनेंशियली हेल्प करता है। और हर वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि एसएमई, स्मॉल माइक्रो एंड सॉरी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को जो फाइनेंशियली हेल्प करता है उनको भी मदद करता है, कौन बेटा, सिडबी। ठीक है, फिर इसके बाद में आता है नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, है ना, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये जो है ये सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है, अपेक्स इंस्टीट्यूशन है, मेजर इंस्टीट्यूशन है एग्रीकल्चरल और रूरल सेक्टर का, राइट। ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्रेडिट प्रोवाइड करता है रूरल बैंक्स को, रीजनल रूरल बैंक्स को ये क्रेडिट प्रोवाइड करेगा। दूसरा अगर आप बात करें, इट इज़ कंसर्न विथ व्हाट बेटा, ये पॉलिसी मेकिंग से कंसर्न है, ये आपके एग्रीकल्चर में किस तरीके से लोगों को लोन दिया जाएगा ये वो भी बताता है। ठीक है, और ये लोन किसको देगा बेटा, ये इंस्टीट्यूशंस को लोन देगा, लोगों को नहीं, इंस्टीट्यूशंस को लोन देगा जो कि अगेन लोगों को मदद करेंगे, है ना, ये बैंक्स को मदद करने, ये मतलब ये बाप का बाप है ना, ये किसका, मतलब ये बैंक को मदद करेगा या ये इंस्टीट्यूशंस को मदद करेगा, लोगों को नहीं। ठीक है, फिर इसके बाद में आता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, जाहिर सी बात है ऐसे बैंक्स जो कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फंड्स देते हैं कोई भी चीज़ के लिए, मॉडर्नाइजेशन हो गया, एक्सपेंशन हो गया, आप लोग का अंडरराइटिंग का काम करके देते हैं, डिबेंचर्स बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए जो बैंक्स रहते हैं, है ना, जैसे इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये एक ऐसा बैंक है जो कि इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए बनाया गया है। एक्सचेंज बैंक, नाम से समझ में आ रहा है, एक ऐसा बैंक जो कि क्या करता है, फॉरेन एक्सचेंज को आपको फैसिलिटेट करता है, आप फॉरेन करेंसी को एक्सचेंज कर सकते हैं, अपने बिल्स को डिस्काउंट करवा सकते हैं, आप लोग अपना जो पैसा है वो भिजवा सकते हैं या मंगवा सकते हैं ये बैंक के थ्रू, और आप लोग लेटर ऑफ क्रेडिट भी इशू करवा सकते हैं। रीजनल रूरल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स बेटा ये छोटे छोटे ऐसे बैंक्स रहते हैं जो कि गाँव में रहते हैं, राइट, इनमें मेजॉरिटी ओनरशिप जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की रहेगी 50%, 15% स्टेट गवर्नमेंट की रहेगी, और बाकी सब जो रहेंगे बड़े बैंक्स 35% इसमें ओनरशिप रखेंगे। ये बैंक्स जो है वो लोन्स और एडवांसेस प्रोवाइड करते हैं छोटे छोटे फार्मर्स जो हो गए, छोटे छोटे जो ट्रेडर्स हो गए गाँव में, उन लोगों को ये मदद करती है। ठीक है, चलो यस, ये 11th का भी वैसा ही है बेटा अमन, यस बेटा जैद, नाबार्ड सब्सिडी, ये बेटा ये नाबार्ड जो है कहीं ना कहीं आपकी दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस को मदद करेगा इन वेरियस फॉर्म्स, है ना, सब्सिडीज गवर्नमेंट देगी, सब्सिडीज का पैसा वगैरह जो है वो नाबार्ड के थ्रू जाएगा, सब्सिडीज नाबार्ड नहीं देगी, सब्सिडीज गवर्नमेंट देती है और उसका पैसा वगैरह जो है ना, अगर कुछ रिफंड वगैरह लेना है तो वो नाबार्ड के थ्रू जाता है, राइट जैद।
यहां तक अगर कोई डाउट हो, यस, इन्वेस्टमेंट बैंक ऐसे हैं जो कि आपसे पैसा कलेक्ट करेंगे और कहीं पे इन्वेस्ट करेंगे. इन्वेस्टमेंट बैंक ऐसे होते हैं जो कि आपसे पैसा कलेक्ट करते हैं, बेसिकली इन्वेस्टमेंट्स को प्रोवाइड कर प्रमोट करने के लिए ये बैंक्स बनाए जाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें बेटे तो वो है फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक. फंक्शंस दो टाइप के हमने ऑलरेडी देखा, प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन. प्राइमरी फंक्शन में दो टाइप है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स और ग्रांटिंग ऑफ लोन. अब चलो फटाक से देखते हैं. एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, दो टाइप के डिपॉजिट आप एक्सेप्ट कर सकते हो, एक है टाइम डिपॉजिट, दूसरा है डिमांड डिपॉजिट. टाइम डिपॉजिट मतलब आप एक समय के लिए पैसा लोगे. दो टाइप है, एफडी आरडी, खत्म. दो टाइप है एफडी और आरडी. देखो फंक्शंस दो टाइप के हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी. प्राइमरी फंक्शन में और दो टाइप है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स और आपका ग्रांटिंग लोन्स. एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स में दो टाइप है, एक है टाइम डिपॉजिट और दूसरा है डिमांड डिपॉजिट. टाइम डिपॉजिट में और दो टाइप है, टाइम डिपॉजिट में और दो टाइप है बेटा, वो कौन से है, एफडी और आरडी. फिक्स डिपॉजिट आप लोग एक लमसम अमाउंट एक साथ बैंक को दे देते हैं एक समय के लिए, बैंक उस पर आपको इंटरेस्ट जोड़ के वो समय आने पर वापस देते हैं. रिकरिंग डिपॉजिट आप थोड़े 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 समय में क्या करते हैं, बैंक को पैसा देते रहते हैं, 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 और आपके वो हर एक इंस्टॉलमेंट पे बैंक इंटरेस्ट लगाते जाता है, 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 एंड समय आने पर आपका जितना भी पैसा बैंक के पास गया है प्लस उसके ऊपर का इंटरेस्ट, ये दोनों बैंक आपको वापस दे देता है. ठीक है, ये था बेटा क्या, टाइम डिपॉजिट. डिमांड डिपॉजिट मतलब ऐसा डिपॉजिट जो कि आप वापस मांग सकते हैं, ऐसा डिपॉजिट जो कि आप वापस मांग सकते हैं. सबसे पहला अगर आप देखें तो वो है सेविंग्स अकाउंट. लोगों में सेविंग्स की आदत डलाने के लिए रहता है. ठीक है, इसमें इंटरेस्ट जो रहता है वो थोड़ा कम रहेगा. इसमें आपको बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती है, जैसे फ्लेक्सी डिपॉजिट अकाउंट हो गया, पासबुक हो गया, SMS पे नोटिफिकेशन आना वगैरह. करंट अकाउंट इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ये बिजनेसमैन खोलते हैं. इसमें आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है, हो सकता है करंट अकाउंट पे आपको चार्जेस पे करना पड़ जाए. ठीक है, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस इसमें आप फ्रीली पैसा डाल भी सकते हो और निकाल भी सकते हो, बट सेविंग्स में देयर इज अ लिमिट कि आप पैसा बहुत सारा निकाल नहीं सकते हो. राइट, फिर इसके बाद में अगर हमने देखा सेकेंडरी, अगर हम देखें बेटा क्या सेकेंडरी फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन का दूसरा पार्ट, ग्रांटिंग लोन्स और एडवांसेस. लोन्स का मतलब क्या होता है बेटा, थोड़े मीडियम लॉन्ग टर्म वगैरह के लिए जो पैसा दिया जाता है, दैट इज लोन्स. एडवांसेस यूजुअली शॉर्ट टर्म के लिए रहेंगे. राइट, अब लोन में अगेन तीन टाइप आते हैं, एक है शॉर्ट टर्म, दूसरा है मीडियम टर्म, तीसरा है लॉन्ग टर्म. एक साल से कम के लिए पैसा दिया, शॉर्ट टर्म लोन. एक से ज्यादा साल के लिए, पांच साल से कम, मीडियम टर्म. पांच साल से ज्यादा के लिए लोन दिया है, लॉन्ग टर्म. सिंपल. मीडियम टर्म शॉर्ट टर्म लोन्स कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है, मतलब वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए दिए जाते हैं. मीडियम और लॉन्ग टर्म लोन्स आपको वर्किंग कैपिटल और आपको कुछ अगर बिजनेस में असेट्स खरीदनी है या एक्सपेंशन करना है उसलिए दिए जाते हैं. तो दिस वाज ऑल अबाउट लोन्स. एडवांसेस की अगर अपन बात करें तो इसमें तीन टाइप है. सबसे पहला है कैश क्रेडिट. कैश क्रेडिट सेविंग्स और करंट अकाउंट दोनों को मिलता है. इसमें आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है वो ज़्यादा रहता है. आप लोगों को थोड़ा वर्किंग कैपिटल ज़्यादा समय के लिए मिल जाएगा अगर आप कैश क्रेडिट की बात करें. इसके लिए अलग से अकाउंट बनाया जाता है, CC का अलग अकाउंट बनता है जिसमें सारे जो ट्रांजैक्शंस है वो नोट होंगे. ओवरड्राफ्ट ये इसमें भी आपको पैसे मिलते हैं, लोन मिलते हैं, जितना अकाउंट में पैसा है उससे ज़्यादा आप निकाल सकते हो इसमें ओवरड्राफ्ट में. नाउ ओवरड्राफ्ट की अगर हम बात करें तो ओवरड्राफ्ट आपको 15-60 दिनों के लिए मिल सकता है. इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो भी CC के जितना ही रहेगा. इसमें आपको अलग से अकाउंट मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती है. राइट, ये एक टेम्प्ररी अरेंजमेंट होता है. अच्छा अभी के लिए पैसा चाहिए, लेकर जाओ. इसके बाद आता है बेटा डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज. बिल्स ऑफ एक्सचेंज भाई जो ड्रॉअर है अगर उसे फंड्स की ज़रूरत पड़ गई तो बैंक के पास जाकर अपना जो बिल है, जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, वो डिस्काउंट करवा सकता है. सिंपल. सेविंग्स अकाउंट में बेटा डिपेंड करता है कितना लिमिट रहेगा. एक डाउट आया है कि सेविंग्स अकाउंट में कितना लिमिट रहता है. सेविंग्स अकाउंट डिपेंड करता है हर एक बैंक का, जो अलग अलग अकाउंट रहते हैं उसमें पैसे विड्रॉ करने की लिमिट रहती है. किसी में 25,000 रहेगा एक दिन का, किसी में 50,000 रहेगा एक दिन का, किसी में 1,00,000 रहेगा एक दिन का, बट लिमिट रहेगा. ठीक है, लिमिट डिपेंड्स ऑन द बैंक एंड द टाइप ऑफ अकाउंट दैट यू हैव. इट डिपेंड्स ऑन द बैंक एंड द टाइप ऑफ अकाउंट. राइट, अब इसके बाद में आता है बेटा फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक में. दूसरा जो है वो यूटिलिटी. बहुत सिंपल,
आपको ड्राफ्ट इशू करना, चेक्स इशू करना, है ना, लॉकर फैसिलिटी देना, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनाकर देना, जिसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, जिसके बेसिस पे आप फाइनेंस करवा सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल दिलवा सकते हैं, गिफ्ट चेक्स इशू करना, राखी गई है, गिफ्ट चेक्स आप दे सकते हैं लोगों को, अंडरराइटिंग सर्विसेज, हम सबको पता है जो अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल है वो सब्सक्राइब करना, ये भी कौन प्रोवाइड करके देते हैं, कमर्शियल बैंक्स प्रोवाइड करके देते हैं, एंड गोल्ड रिलेटेड सर्विसेज, गोल्ड देकर लोन वगैरह ले लेना, है ना, या गोल्ड के बदले में लोन दे देना, गोल्ड के बॉन्ड्स वगैरह खरीद लेना, ये भी आपको बैंक करके देता है। ई बैंकिंग वेरी इजी कंसेप्ट, ई बैंकिंग ऐसा बैंकिंग बैंकिंग सर्विस जो कि हम इंटरनेट के थ्रू करते हैं, हम लोग जो इंटरनेट के थ्रू करते हैं वो रहेगा ई बैंकिंग। ई बैंकिंग में अलग अलग सर्विसेज आ जाएगी, जैसे आपका पॉइंट ऑफ सेल हो गया, ATM मशीन्स हो गई, आप लोग का डेटा ट्रांसफर हो गया, ये सारी चीज़ें ई बैंकिंग कोई भी कर सकता है, जिसके लिए आपको एक बंदा चाहिए जिसके पास कंप्यूटर हो, इंटरनेट सर्विस हो और ऐसा बैंक अकाउंट हो जिसमें ई बैंकिंग की सर्विस हो। मान लीजिए अगर आप कोई ऐसे बैंक में अकाउंट खोल के बैठे हैं जिसमें ई बैंकिंग नहीं है, तो आप बेटा अपना सिर फोड़ने से अपने कंप्यूटर के ऊपर में आप काम नहीं कर सकते, राइट। अच्छा, ऐसा नहीं होता है, ये जो दिख रहा है आप लोग को फोटो, ये कोई ATM मशीन के अंदर में ना कोई इंसान नहीं बैठा होता बेटा कि वो आपको पैसे देगा, है ना, वो कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू जुड़ी होती है। वहां पे क्या होता है बेटा, कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू आप लोग का जो ट्रांजैक्शंस है वो होते हैं, कोई इंसान बैठा हुआ नहीं रहेगा वहां पे। बेनिफिट्स क्या है बेटा, दो लोगों को बेनिफिट होते हैं, कस्टमर्स को भी बेनिफिट मिलता है और बैंक को भी बेनिफिट मिलता है। कंज्यूमर्स को क्या बेनिफिट मिलता है बेटा, कि आप लोग के पास में ट्रांसपेरेंसी रहती है, आपके जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं आप लोग नोट करके रख सकते हो, कभी भी आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हो 24 आवर्स अ डे, 365 डेज अ ईयर, है ना, कभी भी आप ये ट्रांसफर कर सकते हैं। आप लोग जो हैं जितने ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, है ना, तो आप लोग वो ट्रांजैक्शन मोबाइल से करो, अपने लैपटॉप से करो, अपने डेस्कटॉप से करो, आईपैड से करो, टैबलेट से करो, जिससे करना है करो, खाने वाली टैबलेट नहीं, काम करने वाली टैबलेट, ठीक है। चलो, फिर इसके बाद में आता है लोगों में ये पैसे बचाने का, फाइनेंशियल डिसिप्लिन का आदत डालता है। वाई? बिकॉज आपको पता चलता है कि आप कहाँ पे कितना पैसा बर्बाद कर। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पिछले महीने बहुत सारे पैसे डोमिनोज में खर्च कर दिए। व्हेन आई जस्ट चेक्ड माई बैंक स्टेटमेंट, तो मुझे दिल पे धक्का लग गया कि यार मैंने बहुत ज़्यादा पैसे डोमिनोज में खर्च कर दिए पिछले महीने। तो इस बार मैंने सोचा है कि मैं डोमिनोज में खर्चा ना करूँ। अच्छा, ये कहाँ से आया? जैसे ये महीने में मैंने सिर्फ 3 ही बार मंगवाया, ज़्यादा नहीं मंगवा। तो अभी क्या हुआ बेटा, मैं ये कहाँ से आ रहा है, ये मैंने पिछला स्टेटमेंट देखा तब समझ में आया कि भाई बहुत हो गया अभी, है ना, पानी सिर के ऊपर जा रहा है। तो ये जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन है ये क्यों आता है? बिकॉज यू कैन कीप अ ट्रैक ऑन एवरी ट्रांजैक्शन, ठीक है। चलिए, समझ में आया क्या बच्चों, समझ में आया, राइट। अब अगर आप देखें तो आप हर वो बंदा ऐसे बैंक में अकाउंट खोलना चाहेगा जिसमें आपका ई बैंकिंग का फैसिलिटी हो, राइट। बैंकिंग में अगर आप बैंक्स को देखें तो ई बैंकिंग की फैसिलिटी क्या है? सिंपल, एक ऐसा बैंक जिसके पास में ई बैंकिंग की फैसिलिटी नहीं है और एक ऐसा बैंक जिसके पास में ई बैंकिंग की फैसिलिटी है, तो आप किसके पास किसके पास अकाउंट खोलोगे? ऐसे बैंक के पास जिसके पास ई बैंकिंग की फैसिलिटी। सिंपल, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाता है, आप लोग का नेटवर्क बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे जो बैंक्स हैं बेटा, मेरा जो एक बैंक में अकाउंट है, आई हैव नेवर बिन टू दैट बैंक, मैं एक या दो बार ही वो बैंक गया हूँ, है ना, पिछले 5-6 सालों में एक या दो बार मैं बैंक गया हूँ, बस दैट्स इट। उसके बाद मैं बैंक गए क्योंकि सारा ट्रांजैक्शन ऑनलाइन हो जाता है, बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी चीज़ चाहिए आप ईमेल पे बुलवा लीजिए, आपको पैसा है ATM से निकाल लीजिए, सारी चीज़, है ना, चेकबुक ख़त्म हो गया पोस्ट के थ्रू आ जाएगी, सारी चीज़, बैंक का नेटवर्क बढ़ जाता है, ठीक है। दूसरा, अगर मैं बैंक नहीं जा रहा हूं, तो बैंक का जो लोड है ना, जो लोगों की भीड़ है, वो भी बैंक में कम हो जाती है, ठीक है। अब ई बैंकिंग में बहुत सारी फैसिलिटीज़ रहती है, ATM मशीन्स, डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, आपका नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज, RTGS, है ना, NEFT हो गया, IMPS, ये सारे ट्रांजैक्शंस आपको ई बैंकिंग में मिल जाते हैं, ई बैंकिंग की वजह से ही पॉसिबल होते हैं। नेक्स्ट जो हमने देखा बेटा वो था इंश्योरेंस। इंश्योरेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज भाई इंश्योरेंस क्यों करवाते हैं? लाइफ इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज, हम लोग कभी भी बोल नहीं सकते कब क्या हो जाए, ठीक है, किसके साथ क्या हो जाए, तो वो जो अनसर्टेनिटीज है उनको कहीं ना कहीं हम लोग बचाने के लिए या फाइनेंशियली खुद को स्टेबल रखने के लिए हम इंश्योरेंस करवाते हैं। हम अनसर्टेनिटीज को तो हम लोग दूर नहीं कर सकते, बट जो फाइनेंशियल हम लोग को नुकसान हो सकता है हम उससे बच सकते हैं जरूर, ठीक है बच्चे लोग, समझ में आए? हाँ जी। चलो, अब
एक्सक्यूज मी, अगर मैं बात करूँ बेटा इंश्योरेंस की, तो इसमें कुछ पार्टीज होती हैं, इंश्योरेंस की अगर हम बात करें तो इसमें कुछ पार्टीज होती हैं, जैसे इंश्योर्ड। इंश्योर्ड का मतलब क्या है, ये वो बंदा जो कि इंश्योरेंस ले रहा है, इंश्योरर या अश्योरर, वो बंदा जो कि आपका इंश्योरेंस दे रहा है, यूजुअली इंश्योरेंस कंपनी। अगर आप बात करें प्रीमियम की, तो प्रीमियम का मतलब क्या है बेटा, ये वो अमाउंट है जो कि इंश्योर्ड अग्री करता है इंश्योरर को देने के लिए। क्यों? क्योंकि इंश्योरर जो है उसको कवर दे रहा है, इंश्योरर उसकी लायबिलिटी अपने ऊपर लेने की लिए अग्री कर रहा है। पॉलिसी, वो अग्रीमेंट, पॉलिसी जो है वो रहेगा अग्रीमेंट, जो कि क्या रहेगा बेटा, जिसके बेसिस पे आपका इंश्योरेंस इंश्योरेंस टिका रहेगा। इट इज एंड ऑलवेज बी इन राइटिंग हमेशा। क्लेम क्या बेटा, वो जो आपका डिमांड है पैसे का, है ना, कंपनसेशन का, जो पैसे का डिमांड है, दैट इज क्लेम। प्रपोजल, जो इंश्योर्ड बोलता है इंश्योरेंस कंपनी को, भाई प्लीज मुझे ये इंश्योरेंस दे दे, तो ये दैट इज प्रपोजल। फिर इसके बाद में आता है सब्जेक्ट मैटर, जिस चीज का इंश्योरेंस करवा रहे हैं, दैट इज सब्जेक्ट मैटर। फर्स्ट चैप्टर बच्चे, फर्स्ट चैप्टर 12th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर, तो अगर कोई 12th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, पहला चैप्टर हम शुरू करेंगे कल, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, अगेन इंपॉर्टेंट, क्या कह रहा है बेटा, अटमोस्ट गुड फेथ, कोई भी चीज छुपाना नहीं है ना, छुपाना भी नहीं आता, बताना भी नहीं आता, है ना, हमें तुमसे, चलो, नो सीक्रेट्स, कोई भी सीक्रेट आप नहीं रख सकते, कोई भी, देर इज नो नीड कि भाई, नीड क्या, देर इज नो स्कोप ऑफ कीपिंग एनी सीक्रेट, कोई स्कोप ही नहीं है भैया सीक्रेट रखने का। अगर हाँ सीक्रेट रखा, तो भाई आप लोगों का जो मतलब क्लेम आएगा वो रिजेक्ट हो सकता है, कंपनी आपको उस क्लेम नहीं देगी। आई एम नॉट टेकिंग अप द एग्जांपल्स बिकॉज हम लोग ऑलरेडी डिटेल में देख चुके हैं। इंश्योरेबल इंटरेस्ट, भाई आप जिस चीज़ का इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं उसमें आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, मतलब अगर वो चीज़ आपके पास से गई तो आपको फाइनेंशियल नुकसान होना चाहिए, और अगर वो चीज़ आपके पास में है तो वो आपको कहीं फाइनेंशियल बेनिफिट देती है, राइट? जैसे मेरी कार, मुझे अगर मेरी कार चली गई, मेरी कार अगर टूट गई, उसका एक्सीडेंट हुआ, तो मुझे फाइनेंशियली नुकसान होगा, राइट? देखो, मेरी कार मुझे फाइनेंशियली नुकसान हो रहा है, या किसी और की कार है वो अगर उसका एक्सीडेंट हुआ, तो मुझे फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम होगा क्या? नहीं होगा। तो इसे कहते हैं फाइनेंशियल इंटरेस्ट या इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है? इंडेमनिटी का मतलब होता है कि भैया इंश्योरेंस कंपनी आपको नुकसान होने के पहले जिस आप फाइनेंशियल पोजिशन पे थे, नुकसान हो गया तो आप थोड़ा सा फाइनेंशियली नीचे आ गए, तो इंश्योरेंस कंपनी ये कहती है कि हम आपको वापस से उसी पोजीशन पर लाकर रख देंगे फाइनेंशियली, नॉट एग्जैक्टली वही रही तो उसके आसपास तो लाके रख ही देंगे, ठीक है, फाइनेंशियली। बेटा ये फाइनेंस की बात कर रहा है, ये इंडेमनिटी का जो प्रिंसिपल है दैट इज नॉट एप्लीकेबल टू लाइफ इंश्योरेंस, ये लाइफ इंश्योरेंस को एप्लीकेबल नहीं है। जैसे बहुत सारे लोगों के लिए, फॉर एग्जाम्पल मेरे मैं कुछ लोगों के लिए हो सकता है यार सर क्या बोर कर देते, छोड़ना नहीं जाते सर की क्लास, बट कुछ लोग ऐसे रहेंगे नहीं यार जाएंगे सर की क्लास। अब डिफरेंस रहता है ना, फर्क रहेगा बेटा, फर्क रहेगा। कुछ लोगों के लिए कुछ लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ लोगों के लिए कुछ लोग बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बराबर? तो वैसे ही रहता है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो सबरोगेशन, सबरोगेशन का मतलब क्या होता है, जिस भी चीज़ का आपने इंश्योरेंस करवाया है वो चीज़ का अगर आप उसका वैल्यू बचता है तो उसका ओनरशिप चला जाएगा किसके पास बेटा, इंश्योरर के पास। मान लीजिए मैंने ये बॉटल का इंश्योरेंस करवाया था, ये बॉटल चोरी हो गई, है ना, ये बॉटल क्या हुई बेटा, चोरी हो गई, मैंने क्लेम किया, इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे नई बॉटल लाकर दे दी, और जब ये बॉटल वापस मिल गई तो ये बॉटल मैं नहीं रख सकता, मुझे ये बॉटल जो है वापस इंश्योरेंस कंपनी को देना पड़ेगा। सो दिस इज व्हाट, दिस इज सबरोगेशन। नेक्स्ट देखा कॉन्ट्रीब्यूशन, अगर एक से ज्यादा लोगों या एक से ज्यादा कंपनी से आप लोगों ने क्या किया है बेटा, इंश्योरेंस लिया है, तो सब लोग अपने प्रपोर्शन के हिसाब से कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, सब लोग अपने प्रपोर्शन के हिसाब से कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। पहली बात, हो सकता है कि आप एक ही इंश्योरेंस कंपनी से पूरा पैसा ले लें, ठीक है, ये भी चलेगा, या तो फिर आप दूसरे जो बाकी की इंश्योरेंस कंपनीज हैं उन सबसे पैसा लें, बट जितना नुकसान हुआ है उससे ज़्यादा पैसा आप नहीं ले सकते। फॉर एग्जाम्पल आपने 10 लाख का इंश्योरेंस करवाया था, और ये कंपनी से आपने इंश्योरेंस करवाया था 5 लाख का, दूसरी कंपनी से आपने इंश्योरेंस करवाया था 5 लाख का, ठीक है, आपको जो लॉस हुआ है, आपको लॉस हुआ है 5 लाख का, तो जाहिर सी बात है आप या तो एक नंबर वाली कंपनी से 5 लाख का पूरा क्लेम ले ले,
या दूसरी नंबर वाली कंपनी से पूरा 5 लाख का क्लेम ले ले, बट दोनों से नहीं ले सकते, पहली बात। दूसरा, बट अगर आपका कॉन्ट्रीब्यूशन का क्लॉज उसमें है तो क्या होगा, ये कंपनी 2.5 लाख देगी और ये कंपनी 2.5 लाख देगी, राइट, दोनों कंपनियां 2.5-2.5 लाख देगी, ठीक है। यस बेटा सिमरन, यस बेटा, फर्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट है मिटिगेशन ऑफ लॉस, हमने वो पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हमें नुकसान ना हो, हमने वो पूरा ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हमें नुकसान ना हो। एंड लास्ट था प्रॉक्सिमेट कॉज, प्रॉक्सिमेट कॉज मतलब जब भी नुकसान होता है तो सबसे पहले ये देखा जाएगा कि आपको बेसिकली नुकसान हुआ किससे, बेसिकली आपको नुकसान हुआ किससे। अगर नुकसान एक से ज़्यादा चीज़ों से होता है तो आपका ये देखा जाएगा कि आपको नुकसान किस वजह से हो रहा है प्राइमरीली, है ना, बेसिकली आपको नुकसान किस वजह से हो रहा है। फिर इसके बाद में हम लोगों ने देखा टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, बेसिकली दो टाइप के इंश्योरेंस है, जनरल और लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस अभी हम देख लेंगे, जनरल इंश्योरेंस दो टाइप के हैं, मरीन इंश्योरेंस और आपका फायर इंश्योरेंस, ये दो जो आपको हैं, बाकी तो और बहुत सारे टाइप के हैं जो यहाँ दिए, ये आपको पढ़ना नहीं, ये आपके सिलेबस में नहीं है ना, आप लोग को पढ़ना ये है, ठीक है। चलिए, लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस जो है ये हम लोग अपना लेते हैं, अपने इंडिविजुअल है ना, अपनी लाइफ का इंश्योरेंस जो हम ले रहे हैं, हमारी अनसर्टनिटीज को दूर करने के लिए जो हम इंश्योरेंस ले रहे हैं, दैट इज लाइफ इंश्योरेंस। इसके इसमें जो बेसिक्स है, ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रहता है, अटमोस्ट गुड फेथ रहेगा, इंश्योरेबल इंटरेस्ट रहेगा, बट इंडेमनिटी इसमें एप्लीकेबल नहीं रहेगा। मान लो अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे घर वालों को दूसरा अभिजीत नहीं मिलेगा बेटा, है ना, क्योंकि अभिजीत तो एक ही है दुनिया में, है ना, फॉर्चुनेटली बोलो या अनफॉर्चुनेटली, नहीं, दूसरा नहीं आ सकता। चलो, टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस की अगर हम बात करें तो भाई साहब, सबसे पहला जो लाइफ इंश्योरेंस है वो है होल लाइफ पॉलिसी। होल लाइफ पॉलिसी में जो पॉलिसी होल्डर है उसको पैसा कभी नहीं मिलेगा, पॉलिसी होल्डर के मरने के बाद उसकी फैमिली को पैसा मिलेगा और इसका जो प्रीमियम रहता है वो थोड़ा कम रहता है, राइट। फिर इसके बाद में आता है एंडाउमेंट पॉलिसी, इसमें दो चीज़ें रहती है, या तो आप एक एज अटेंड कर लीजिए, या तो आपकी अगर डेथ हो गई तो अगर आप एक एज अटेंड कर लेते हैं तो आप लोग को पैसा मिल जाएगा, या फिर आपकी डेथ पहले हुई, विच एवर इज अर्लियर, तो आपको पैसे मिलेंगे। ऑब्वियसली डेथ हुआ तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे, आपकी फैमिली को पैसे मिलेंगे, एज पहले आ गई तो आपको पैसे मिल जाएंगे। टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या होता है कि आप लोग कुछ एक इंश्योरेंस लेते हैं, कुछ एक समय के लिए इंश्योरेंस लेते हैं, एंड अगर वो समय के पहले आपकी डेथ हो जाती है तो आपके फैमिली मेंबर्स को पैसे मिल जाएंगे, बट अगर वो समय बीत गया तो किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा, बेसन का लड्डू भी नहीं मिलेगा, काजू कतली भी नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है बेटा एन्यूटी पॉलिसी। एन्यूटी पॉलिसी मतलब आप एक लमसम में या फिर आप एक इंस्टॉलमेंट्स में कुछ पीरियड में कुछ पैसा जमा कर देते हो इंश्योरेंस कंपनी के पास में, और इंश्योरेंस कंपनी आपको कुछ समय बाद वो पैसे जो है वापस पे करना चालू करती है। मनी बैक पॉलिसी, मनी बैक पॉलिसी में क्या होता है कि आप शॉर्ट ड्यूरेशन में मतलब 12 साल 15 साल 25 साल के अंदर कुछ पैसा जमा कर देते हो, एंड बहुत सालों के बाद में जब आप रिटायर होते हो तब आपको वो इंश्योरेंस कंपनी जो है, नहीं सॉरी, वो 12 साल खत्म होने के बाद या 15 साल खत्म होने के बाद या 20 साल खत्म होने के बाद में इंश्योरेंस कंपनी जो आपको पैसा वापस करना चालू करती है, ठीक है। एंडाउमेंट का मतलब क्या है बेटा, एंडाउमेंट मतलब जिसमें कि आपकी एज हो जाए, या फिर मतलब जो भी इंश्योरेंस लेता है उसकी अगर एज कंप्लीट हो गई या फिर उसकी अगर डेथ हो गई तो उसको पहले, एज पहले हो गई तो उसे पैसा मिल जाएगा, अगर डेथ हो गई तो फैमिली को पैसा मिल जाएगा, ठीक है। फिर चिल्ड्रंस एंडाउमेंट प्लान, ये जो है ये लिया जाता है बच्चों की शादी के लिए और उनके आगे की पढ़ाई के लिए। फिर इसके बाद में आता है रिटायरमेंट प्लान, जाहिर सी बात हम लोग थोड़ा थोड़ा करके पैसा इन्वेस्ट करते हैं और हम लोग को बाद में पैसा वापस मिलता है। यूनिट लिंक प्लान्स, ये किसी यूनिट से लिंक्ड होते हैं, ये जो प्लान्स हैं दीज आर लिंक्ड टू सम यूनिट्स, वो यूनिट्स अगर बड़े या कम हुए तो आपको इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा कम ज़्यादा मिलेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, जिसमें क्या होता है दो या दो से ज़्यादा लोग पॉलिसी लेते हैं, दो लोग जिसका एक दूसरे में इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, मान लीजिए एक हस्बैंड वाइफ या दो बिजनेस पार्टनर्स, ठीक है। चलो, हाँ ऑब्वियसली उसको पैसा नहीं मिलेगा बेटा, उसके उसके फैमिली को पैसा मिलेगा, वो तो मर गया है ना, वो तो मर गया तो उसको पैसा कहाँ से मिलेगा, है ना, सूजल। फिर आता है मरीन इंश्योरेंस। मरीन इंश्योरेंस सी के डेंजर्स से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, मरीन इंश्योरेंस निकालते हैं। सारे प्रिंसिपल्स जो हैं इंश्योरेंस के वो मरीन इंश्योरेंस को भी एप्लीकेबल हैं। अलग अलग पॉलिसीज है, वॉयज पॉलिसी जो कि आपकी जर्नी कवर करती है, दूसरा टाइम पॉलिसी जो कि एक पर्टिकुलर समय के लिए आपकी पॉलिसी रहती है, उसे हम कहते हैं टाइम पॉलिसी, है ना। फिर इसके बाद में हमने देखा था मिक्स्ड पॉलिसी जो कि वॉयज और टाइम दोनों का मिक्स है।
वैल्यूड पॉलिसी, मतलब जिसका आप मार्केट वैल्यू एसेस नहीं कर सकते हो, वो पॉलिसी का आप क्या करते हैं बेटा, एक वैल्यूड पॉलिसी, एक फिक्स वैल्यू। भाई अगर मुझे नुकसान हुआ मुझे इतना पैसा चाहिए, मुझे अगर नुकसान हो कितने भी नुकसान हो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मुझको इतना पैसा चाहिए, दैट इज वैल्यूड पॉलिसी। ब्लैंकेट पॉलिसी में क्या रहेगा कि आप मैक्सिमम लिमिट है ना, एक लिमिट का आप क्या कर लेंगे पैसा, एक लिमिट का आप इंश्योरेंस करवा लेंगे जिसमें सारी चीज कवर हो जाएगी, आपका जर्नी कवर हो जाएगी, आपका गुड्स जो है वो कवर हो जाएंगे, गुड्स गोडाउन तक पहुंचने तक के गुड्स कवर हो जाएंगे, सारी चीजें कवर हो जाएंगी। फिर इसके बाद में आता है पोर्ट रिस्क पॉलिसी, पोर्ट पे अगर कुछ रिस्क आता है तो उसको कवर करने के लिए आप जो पॉलिसी लेते हैं दैट इज पोर्ट रिस्क पॉलिसी। कंपोजिट पॉलिसी, एक या एक से ज्यादा इंश्योरर से अगर आपने पॉलिसी लिया तो उसे हम कंपोजिट पॉलिसी कहेंगे। ये क्यों लिया जाता है, जब इंश्योरेंस का वैल्यू बहुत ज्यादा रहा, जो गुड्स हैं वो बहुत अगर वैल्यूएबल रहे तब हम आपका कंपोजिट पॉलिसी लेते हैं। सिंगल वेसल पॉलिसी, अगर एक ही आपके पास में शिप है तो आप सिंगल वेसल पॉलिसी लेंगे, एंड अगर आपके पास में एक से ज्यादा वेसल्स हैं तो आप फ्लीट पॉलिसी लेंगे, है ना। और एक और एक पॉलिसी आता है जो कि है ब्लॉक पॉलिसी। ब्लॉक पॉलिसी मतलब जो कि आपके कार्गो को, आपके गुड्स को जो है वो सिक्योर करता है, जैसे कि अगर गुड्स आपके कोई भी रास्ते से जा रहे हो जब तक आप गोडाउन में नहीं पहुंचते तब तक वो गुड्स सेफ रहेंगे, ठीक है। फिर आता है फायर इंश्योरेंस, यस, हाँ, जितना सम एश्योर्ड है सुजल, जितना सम एश्योर्ड है उतना पैसा मिलेगा लाइफ इंश्योरेंस में, ठीक है। फायर इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस कवर करता है आग से होने वाले नुकसान को। आग कैसे भी लग सकती है बेटा, वो लग सकती है बिजली गिरने से, वो लग सकती है एक्सीडेंट से, वो लग सकती है धमाके से, किसी भी तरीके से। पहली, दूसरी बात वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई आग अनइंटेंशनल रहना चाहिए, जानबूझकर नहीं लगानी चाहिए, है ना। किसी ने ऐसी माचिस जलाया फेंक दिया, वैसे आग नहीं जलाना चाहिए। फिर आता है बेटा, अगर आप बात करें टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी, फायर इंश्योरेंस सबसे पहला है वैल्यू, सेम चीज जो हमने मरीन इंश्योरेंस में पढ़ा। अगर आप कोई भी गुड्स का वैल्यू असर्टन, मार्केट वैल्यू असर्टन नहीं कर सकते हो तो आप इनका क्या करेंगे बेटा, वैल्यूड पॉलिसी निकाल लोगे, ठीक है। दूसरा एवरेज पॉलिसी, एवरेज पॉलिसी 10 रुपए का, 10 लाख का ये पेंसिल जो है 10 लाख की है, बट मैंने इसका इंश्योरेंस करवाया था 5 लाख रुपए का। कितने का इंश्योरेंस करवाया, 5 लाख रुपए का। तो बेटा मैं अब ये इसका नुकसान हो गया, और नुकसान कितने का हुआ बेटा, मान लो इसका 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ, तो मैं खुश हो गया, मैंने कहा यार मैंने 5 लाख का नुकसान हुआ बट मेरे को 5 लाख मैंने इंश्योरेंस भी करवाया तो मुझे मिल जाएंगे 5 लाख। नहीं, मुझे 5 लाख नहीं मिलेंगे। गुड्स का वैल्यू कितना है, 10 लाख, मैंने इंश्योरेंस कितना कराया, 5 लाख। प्रपोर्शन देखो 50% है, तो जितना नुकसान हुआ उसका 50% आपको मिलेगा। ये समझ में आया, जो इंश्योरेंस कंपनी है वो बेवकूफ नहीं है बेटा कि आपको पूरा पैसे देते, ऐसा नहीं होगा। फिर आता है स्पेसिफिक पॉलिसी। स्पेसिफिक पॉलिसी मतलब आप एक सम डिसाइड कर लीजिए, गुड्स कितने की भी रहे सम डिसाइड कर लीजिए, नुकसान हुआ तो आपको उतना पैसा मिल जाएगा, ठीक है। नुकसान हुआ तो आपको उतना पैसा मिल जाएगा, ओके। एक डाउट आया कि इसके बाद बता देता हूँ सुजन, इसके बाद बता देता हूँ, ठीक है, फायर इंश्योरेंस के बाद बता देता हूँ। फ्लोटिंग पॉलिसी जनरली वो लोग लेते हैं जो कि अपने गुड्स जो कि वेयरहाउस में, गोडाउन्स में, अलग अलग जगह पे, अलग अलग जगह पे जो गुड्स स्टोर्ड हैं, है ना, पूरी कंट्री में अगर अलग अलग जगह पे उनके गुड्स स्टोर्ड हैं तो गुड्स को कहीं ना कहीं सिक्योर करने के लिए वो लोग क्या लेते हैं बेटा, फ्लोटिंग लाइफ पॉलिसी लेते हैं। फिर इसके बाद आता है आपका एक्सेस पॉलिसी। अगर आपके जो गुड्स हैं उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रही है, ये बॉटल ये मिनिमम जो है वो 1 लाख रुपए की रहेगी, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक भी जा सकता है। इसका वैल्यू जो है वो 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में भी कभी भी कुछ भी रह सकता है, मिनिमम 1 लाख का तो रहेगा ही रहेगा। तो मैं दो पॉलिसी निकालूंगा, एक रहेगा 1 लाख की पॉलिसी और दूसरी रहेगी 50,000 की पॉलिसी, ठीक है। फिर इसके बारे में आता है रीइंस्टेटमेंट पॉलिसी। रीइंस्टेटमेंट पॉलिसी का मतलब क्या है, जिस भी चीज़ का नुकसान हुआ, अब मान लीजिए अगर मेरे ये राइटिंग पैड का नुकसान हुआ और मैंने रीइंस्टेटमेंट पॉलिसी लिया तो मुझे इंश्योरेंस कंपनी कुछ पूछेगी नहीं, सीधा सीधा नया इंश्योरेंस नया राइटिंग पैड मुझे लाकर दे देगी, ठीक है। फिर आता है कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी मतलब जिसमें सारी चीजें, नुकसान कैसे भी हो, है ना, आग जो है वो नुकसान कैसे भी हो, आग से हो, एक्सप्लोजन से हो, अर्थक्वेक से हो, फ्लड से हो, वो सारी चीजें इसमें कवर हो जाएगी। फिर आता है कॉन्सिक्वेंशनल लॉस पॉलिसी। कॉन्सिक्वेंशनल लॉस पॉलिसी का मतलब क्या है, ये आप देखो
आपको अगर गोडाउन में आग लगी, गोडाउन में अगर आग लगी है या बिजनेस बिल्डिंग में अगर आग लगी है तो उस केस में क्या होता है, इमेजिन कीजिए गोडाउन, बिजनेस बिल्डिंग, फैक्ट्री, यहाँ पे अगर आग लगी तो आपको वो चीज़ का, वो कमोडिटी का पैसा तो मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा, बट वो कमोडिटी वापस आने में, वापस से काम शुरू होने में तो आपको समय लगेगा। तो जब तक काम नहीं हो रहा है तब तक क्या होगा, आपका प्रॉफिट तो कम हो जाएगा ना। तो कॉन्सिक्वेंशनल पॉलिसी क्या होती है, ये इंश्योरेंस कंपनी आपको बोलती है कि तू चिंता मत कर बेटा, आपको जितना प्रॉफिट आपका कम हुआ है ना, हम लोग पिछले साल के एवरेज प्रॉफिट्स देखेंगे, आपका जितना प्रॉफिट अभी कम हो रहा है हम उतना पैसा आपको दे देंगे। बट एक चीज़ ध्यान रखिए, ये कॉन्सिक्वेंशनल पॉलिसी में आपका जो प्रीमियम रहता है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है स्प्रिंकलर लीक पॉलिसी, जो आग बुझाने के लिए जो स्प्रिंकलर्स रहते हैं वो अगर लीक हो गए, उससे अगर कुछ नुकसान हुआ तो उसके लिए भी आपकी पॉलिसी रहती है, राइट। फिर इसके बाद में आता है वेयर हाउसिंग, लास्ट टॉपिक आज के लिए। बेटा सुजल बात ऐसी है कि उसने पूरा पैसा जो है वो नहीं भरा था, यस, बट एक समय तक, मान लीजिए अगर उसने 5 सालों तक पैसा भरा है या उसने 8 साल, एक समय दिया रहेगा इंश्योरेंस पॉलिसी में, उतने समय तक अगर उसने पैसा भरा है, यार पैसे भरने वाला ही नहीं रहा तो पैसे तो मिलने चाहिए ना, इसीलिए पैसा मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा बेटा। वो पॉलिसी वाले बता देंगे कि कितने समय तक आपको पैसा भरना है। यस, कल भी 8 बजे रहेगी, ठीक है। स्पेसिफिक पॉलिसी मतलब हम अगर किसी एक स्पेसिफिक चीज का पॉलिसी ले रहे हैं, इंश्योरेंस ले रहे हैं, वो रहेगा स्पेसिफिक पॉलिसी, है ना। मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैं कोई भी चीज का इंश्योरेंस ले रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं बेटा, कोई भी चीज का इंश्योरेंस ले रहा हूं, एक स्पेसिफिक अमाउंट का इंश्योरेंस ले रहा हूं, है ना। 10 लाख रुपए की गुड्स है, मैं बोलता हूं यार मेरे को 10 लाख का इंश्योरेंस नहीं करवाना है, मेरे से आप एक्स्ट्रा प्रीमियम ले लो, बट मैं इंश्योरेंस जो 5 लाख का ही कराऊंगा क्योंकि मुझे पता है कि नुकसान 5 लाख से ज्यादा नहीं होगा, तो मैं 5 लाख का इंश्योरेंस करवा रहा हूँ, प्रीमियम ज्यादा ले लो, बट जब भी नुकसान होगा मेरे को पूरे जितना नुकसान होगा उतना पैसा देना। एवरेज पॉलिसी समान मत करना कि कम आपने इंश्योरेंस लिया, मैं उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा दे रहा हूँ, ठीक है। एवरेज पॉलिसी और स्पेसिफिक पॉलिसी में एक फर्क क्या है, एवरेज पॉलिसी में आपको जितना नुकसान हुआ उसके प्रपोर्शन में पैसा मिलेगा, जितना पॉलिसी लिया था नुकसान क्या हुआ उसके प्रपोर्शन में आपको पैसा मिलेगा। स्पेसिफिक पॉलिसी में क्या होगा कि बेटे आप लोग ने जितना भी नुकसान हो उतना पूरा पैसा आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए वेयर हाउस की अगर हम बात करें तो पहले ऐसा सोचा जाता था कि वेयर हाउस कुछ ही काम करते हैं, मतलब वहाँ पे सब गुड्स रखे जाते हैं, प्रॉपर तरीके से रखे जाएंगे, क्वालिटी अच्छी रहेगी, बट अब वो बहुत मॉडर्न हो गए हैं, बहुत सही तरीके से काम होता है वहाँ पे, कंप्यूटर्स का यूज़ लिया जाता है, आपके सॉफ्टवेयर्स का यूज़ लिया जाता है, अलग अलग काम होते हैं वेयर हाउस में। वहाँ पे सबसे पहला काम होता है कंसोलिडेशन का, अलग अलग जगह से गुड्स आते हैं आपके यहाँ पे मिलते हैं और एक जगह जाते हैं। ब्रेकिंग द बल्क मतलब एक जगह से गुड्स आएंगे वो अलग अलग जगह भेजे जाएंगे, दैट इज ब्रेकिंग द बल्क। स्टॉक पाइलिंग मतलब गुड्स को स्टोर करके रखना, दैट इज स्टॉक पाइलिंग। वैल्यू एडेड सर्विस मतलब आप अलग अलग जगह से अलग अलग गुड्स लाएंगे और जिन जिन को जो जो गुड्स चाहिए वो दोगे, इसको कहते हैं स्टॉक में ट्रांजिट मिक्सिंग। फिर अगर उसको पैकेजिंग करना है तो आप पैकेजिंग करके दे दो, ग्रेडिंग करना है ग्रेडिंग करके दे दो। गुड्स सही समय पर अगर प्रोवाइड हो गए आप लोग को तो आप लोग का प्राइस स्टेबलाइज रहेगा, प्राइस आप लोगों का फ्लक्चुएट नहीं होगा, राइट। फिर इसके बाद में आता है बेटा फाइनेंसिंग, आप लोग को जो है फाइनेंस भी करके मिल जाता है, आप लोग को क्या करके मिल जाएगा बेटा, फाइनेंस भी करके मिल जाएगा, इनडायरेक्ट या डायरेक्ट कैसे भी आप फाइनेंस करवा सकते हैं, एंड रिस्क भी आपका बेयर करता है। अलग अलग टाइप के वेयर हाउस रहते हैं, प्राइवेट वेयर हाउस जो कि प्राइवेट ओनर्स मर्चेंट्स जो रहते हैं वो लोग ओन करते हैं, अपने खुद के यूज के लिए ओन करते हैं, राइट। पब्लिक वेयर हाउस ओनरशिप प्राइवेट लोगों के पास में रहेगी, बट इसे लाइसेंस देती है गवर्नमेंट कि आप पब्लिक वेयर हाउस के तौर पर काम कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी सर्विसेज आपको देते हैं, राइट। फिर इसके बाद में हमने देखा था बॉन्डेड वेयर हाउस, जो इम्पोर्टेड गुड्स रहते हैं वो कहाँ पे रखे जाते हैं, बॉन्डेड वेयर हाउस में रखे जाएंगे। जब तक आप अपने गुड्स का इम्पोर्ट ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी पे नहीं करते तब तक ये गुड्स जो है बॉन्डेड वेयर हाउस में रखे रहेंगे। बॉन्डेड वेयर हाउस अगर आपने इम्पोर्ट ड्यूटी पे कर दी तो वहां से आप बाहर निकाल सकते हो, ड्यूटी पेड वेयर हाउस में रख सकते हो जो आगे आएगा। फिर इसके बाद में आता है गवर्नमेंट वेयर हाउस, बेसिकली ये जो वेयर हाउसेज रहते हैं ये पब्लिक अथॉरिटीज या गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहते हैं पूरे, है ना, ओनरशिप और कंट्रोल गवर्नमेंट के पास में रहेगा। यूजुअली जो गवर्नमेंट की कंपनीज है, गवर्नमेंट की जो अथॉरिटीज है, वो लोग ये वेयर हाउस यूज करते हैं। जनरल पब्लिक को भी ये दिया जाता है बट वो बहुत ज्यादा अच्छी हालत की रहती नहीं है,
राइट। तो इसलिए लोग जो है वो प्रेफर करते हैं कोऑपरेटिव वेयरहाउसेज, जो कि नेक्स्ट टाइप है। ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है वो ये वेयरहाउसेज मेंटेन करती हैं, इकोनॉमिकल रेट्स में आपको वेयरहाउसिंग की सर्विस प्रोवाइड करती है। जैसे मैंने आप लोग को इसके पहले बताया था ड्यूटी पेड वेयरहाउस, ऐसे वेयरहाउस जो कि क्या करते हैं बेटा, आप लोगों का जो ड्यूटी पेड हो चुका है जिसपे ट्रांसपोर्टेशन का दिक्कत जा रहा है, वो गुड्स आप निकाल के कहाँ रख सकते हैं, ड्यूटी पेड वेयरहाउस में रख सकते हैं। दीज वेयरहाउस आर प्रेजेंट नियर द डॉक और पोर्ट एरिया सो दैट देर इज ईजी ट्रांसफरबिलिटी और कन्वीनियंस जो आप बोलते हैं। फिर इसके बाद में आता है कोल्ड स्टोरेज वेयरहाउस, जो आपका वेयरहाउस है उसको आप अगर ठंडी, मतलब जो आपका एटमॉस्फेयर जो है आप वो वहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, ये सारी चीज़ें आप कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं ताकि उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए और आप उसे ज़्यादा दूर तक क्या कर सकें, भेज सकें। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया। एक्सेस पॉलिसी, एक बार एक्सेस पॉलिसी में क्या होता है, जितना जितने का भी गुड्स है ना बेटा, उसके उससे आप ज़्यादा का पॉलिसी, गुड्स का वैल्यू चेंज हो रहा है, गुड्स का वैल्यू क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो हम बेटा क्या करेंगे, जितना चेंज हो रहा है गुड्स का वैल्यू, हम एग्जैक्टली पिन पॉइंट तो नहीं बता सकते कि आगे कितना गुड्स का वैल्यू रहेगा। आपको ये पता है कि कम से कम 100 रुपये तो वैल्यू रहेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना जा सकती है, 150, 100 से 150 के बीच में गुड्स रहेंगे। आपने क्या किया, दो पॉलिसी लिया, एक लिया 100 रुपये की, दूसरा लिया 50 रुपये की। ठीक है, तो ये आप ऐसे दो पॉलिसी लेते हैं, ऐसे कहते हैं एक्सेस पॉलिसी। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आया, कोई डाउट आप लोग को नहीं है, क्या कोई डाउट है बच्चों आप लोगों को? ड्यूटी पेड वेयरहाउसेस आर ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स, है ना, प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी ओन करते हैं बेटा। ठीक है, कोई अगर ऐसा बच्चा है जिसने ये लेक्चर पहली बार देखा है, तो बच्चे इट इज बाउंड कि आपको समझ में ना आए, बिकॉज दिस वॉज अ वेरी फास्ट ट्रैक रिविजन लेक्चर। आपको इसके, ये लेक्चर समझने के लिए आपको इसके पहले के जो क्लासेस हैं वो अटेंड करनी पड़ेगी। ये लेक्चर इट वॉज अ रिविजन, है ना, रिविजन का रिविजन था, ये फास्ट ट्रैक रिविजन था, जो हम लोग ने एक हफ्ता चैप्टर पढ़ा उसे हमने 1 घंटे में कंप्लीट किया है। तो ये अगर आप अभी पहली बार देखे हैं तो बेटा इट इज़ अ रिक्वेस्ट कि आप पिछले लेक्चर्स जो हैं वो भी देखें और चीज़ों को समझें। ठीक है, सो इट इज़ अ रिक्वेस्ट कि आप लोग कल भी आए, है ना, और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस पर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लेट्स क्रैक CBSE चैनल, CBSE कॉमर्स ये हमारा चैनल है नया, इसे सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट द बेल आइकॉन सो दैट यू आर अपडेटेड, नोटिफिकेशन आपको आता रहे। एंड इफ यू आर टेकिंग एनी सब्सक्रिप्शन यूज माई कोड जीत, जिससे कि आपको 10% एक्स्ट्रा जो डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अ टेलीग्राम ग्रुप, जो मैंने आपको बताया, डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए। कल 11 बजे क्विज है, राइट, तो आपको स्पेशल क्लासेस के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। हमारा संडेज को स्पेशल क्लास बढ़िया चलती है, आप आए, आपको वहाँ पे ऐसा मेला दिखेगा स्पेशल क्लासेस का, आप एक बार आकर देखिए। ठीक है, तो हमारा क्विज, मेरा खुद का क्विज चल रहा है, कम एंड एक्सपीरियंस द डिफरेंस, राइट, आप लोग को वहाँ पे बहुत मज़ा आएगा, आई अश्योर यू, आप एक बार आकर देखिए। दूसरा, ट्राई टू बी नाइस टू योर एल्डर्स एंड स्प्रेड लव, नॉट हेट्रिड, हैव सम एम्पैथी फॉर पीपल, लोग आपके लिए क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उसकी वैल्यू कीजिए। एंड लास्टली, कमेंट, सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन, बेल आइकॉन एक ही बार हिट करना है, 2-3 बार करोगे चला जाएगा। ठीक है, आई विल सी यू गाइस टुमारो एंड डोंट फॉरगेट टू यूज माय कोड एंड आई विल सी यू टुमारो, कहाँ पे, स्पेशल क्लास में, रात को 8 बजे यहीं पे मिल रहे हैं, विद द न्यू चैप्टर, ठीक है, रात को 8 बजे यहीं मिल रहे हैं विद अ न्यू चैप्टर। सो आई होप हम लोग कल मिलेंगे 8 बजे, आई विल सी यू गाइस टुमारो, टिल देन टेक केयर, बी काइंड एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।